Hey guys, what's up everybody? Welcome back to my YouTube channel and you are watching Amar Vlog. So welcome back to another new fresh vlog. So उम्मीद करता हूँ तुम सब घर में अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और चिल मार रहे होंगे. तो कुछ नहीं, आज का दिन बहुत ज़्यादा थक गया यार. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे, मतलब हद से ज़्यादा काम थे. तो सबसे पहले सुबह उठा, फिर मम्मी ने बोला कि थोड़ी सब्जी सब्जी सब कुछ लेके आ. फिर पठियार गया, वहाँ पे मैं अपनी स्कूटी निकाली, फिर वहाँ पे गया. तो अभी मैं गया था नगरोटा बगवा, यहाँ से कोई पड़ता है अराउंड 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है. तो मैं अपनी स्कूटी लेके गया था. तो मेरे को बेसिकली क्या काम था, मेरा एक तो बैडमिंटन टूट गया था. तो कल मैं अपना रैकेट दे के आया था शाम को. तो कल बात नहीं बनी, उन्होंने बोला कल नहीं होगा. ठीक, वैसे 2-3 घंटे लगते हैं इसमें. तो उन्होंने बोला कि सुबह ले जाना मॉर्निंग में. तो मैं गया था यहाँ से कोई 3:30-4 बजे, फिर अभी वापस आया हूँ जस्ट. तो मैं बोला मम्मी टाइम हो रहा जल्दी, अभी बज रहे हैं 4:30 हो रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं. तो मम्मी ने बोला कि नहीं, मम्मी ने बोला कि अब थोड़ी रेस्ट कर ले. पर मैंने बोला नहीं यार मम्मी, अब मेरे को वीडियो बनानी थोड़ी देर, क्योंकि तुम्हें पता अगर मैं टाइम ना दूँ इसको यूट्यूब को भी तो ठीक बात नहीं है. और सुबह से यार आज ऑनलाइन क्लासेस लग पड़ी, आज से फिर से वही दिमाग ख़राब, इंटरनेट के सामने बैठे रहो सुबह सुबह. बट एक कोई और मीडियम भी नहीं है ना, मतलब बात करने का. स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड नहीं रह सकते टीचर्स, तो बेटर है उनको कि MST वगैरह में क्लासेस लगाते हैं, वहीं पे सिलेबस कवर होता है. तो क्या छोड़ो, अभी कुछ नहीं बोला उन्होंने. अब मेरे को पता क्या सीन था, सबसे पहले जब मैं बड़े दिनों से खेला तो मैं बोलता कि मेरी वायरें टूट गई हैं. तो देखो कि अब नई इसमें टॉप की वायरें डल गई. तो उन्होंने बोला कि यार तू योनेक्स की डलवा ले. तो मैं बोला कितना प्राइस, उन्होंने बोला 350. तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं डलवानी, इतना पैसा नहीं खर्चना इसमें बैडमिंटन पे, बाद में डलवानी होगी पूरी टूट जाएंगी. 2-3 टूटी थी सारी नहीं. तो अभी तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो टॉप में डाल दी है नई वाली, ये रेड कलर की जो थी ये डाल दी. तो मैं बोला अंकल ग्रिप भी डाल दो. नहीं, जो उसकी अराउंड 50 रुपीज़ की आती. तो उन्होंने बोला ग्रिप भी खत्म हो गई है. ख़त्म क्यों होगी, बोला कि बेटा कोरोना टाइम चल रहा है तो मेरे को पास नहीं मिला, क्योंकि सारा सामान वो जलंधर से लेके आ रहे. तुम्हें पता जलंधर फगवाड़ा वगैरह बहुत अच्छी स्पोर्ट्स की दुकान है वहाँ पे. तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं नहीं जा रहा क्योंकि पास नहीं बना मेरा. तो तू एक काम कर, प्लास्टर ले ले वो लगा ले. तो बस मैं, उन्होंने एक रोल लगा दिया. तो उन्होंने बोला कि यार दूसरा घर पे लगा ले जाके, मैं थोड़ा बिजी हूँ. तो मैं बोला चलो ठीक है, कितने रुपये का है? फिर 50 रुपये का ये लिया. फिर मेरे को याद आ गया क्योंकि स्किपिंग करना है, क्योंकि इससे क्या होता है ना काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होती है और रनिंग में भी एक अच्छा हेल्प मिलता है. तो मैं ये जल्दी से लेके आया. मैं बोला कितने रुपये की है? तो ये 80 रुपीज़ की थी अंकल, जानते तो मेरे को 60 रुपये की मिल गई. तो यही ऑनलाइन तुम चेक करोगे तो मैं 150 की मिलने वाली है. तो यार ऑनलाइन थोड़ा कम सामान लिया करो, क्योंकि एक तो ऑनलाइन टाइम लगेगा आने में और ऐसी चीज़ें ना तुम खुद ही बाय कर लिया करो. क्योंकि मैं खुद अभी बाय कर गया तो मेरे को लग गया पता, ये ऑनलाइन 150 रुपये की थी, मेरे को 80 रुपये की मिल गई. 60 रुपये की मिली है ये 60 रुपीज़ की. तो अंकल ने बोला चल कोई नहीं तू ले जा. तो मैं बोला थैंक यू यार अंकल देने के लिए, 20 रुपये कम कर दिया किसी के. तो बस ये लेके आया क्योंकि तुम्हें पता ये चाहिए थी मेरे को, थोड़े बड़े दिनों से मैं बोला कि काम मिले काम है, तो वहीं पे मिल गई. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्लास्टर लगाते हैं, फिर तुमसे बात करता हूँ मैं. तो यार आजकल तुम देखोगे ना तो क्या सीन है ना, मतलब प्लास्टर जो है हर जगह यूज़ हो रहा है. ये तो एक रोल तो लगा, तो मतलब तुम्हें देखोगे हॉकी में प्लास्टर यूज़ होता है, बैट में यूज़ होता है, आजकल ये बैडमिंटन में भी लग पड़ा है यूज़ होने. तो अंकल ने बोला बेटा कि अभी मैं बिजी हूँ तो तू घर में लगा ले. इससे क्या है ग्रिप अच्छी बनती है यार. तो उन्होंने बोला कि प्लास्टर लगा ले. मेरे को डलवानी ग्रिप थी एलियोनिक्स की, जो मैंने ये ऑरेंज कलर की डलवाई है. तो मैंने ये ऑलरेडी डलवा ली थी बड़ी पहले, पर अब फट गई है. तो मैं बोला अंकल एक नई सी डाल दो. तो अंकल बोलते हैं नहीं बेटा मेरे पास खत्म हो गई, एक भी सामान आया नहीं. तो यार मैं फॉग लाइट भी लेके गया था, पता है फॉग लाइट लेके गया था मैं वहाँ पे, पर मेरे को फिर टाइम नहीं मिलाया क्योंकि अभी घर पहुँचा, 2-3 घंटे और लगे. तब तक क्या होगा मेरा बैडमिंटन के वहाँ पे खेलना शुरू हो जाते हैं वो 5:30-5 बजे. तो ये सीन था. तो मैं बोला कि चलो बाद में फॉग लाइट जो होंगी वो बाद में लगवा लेंगे. तो ये सीन पड़ रहा था. तो छोड़ो कल लगवाता हूँ फॉग लाइट भी जाके. तो पहले इसको डबल मैं टेपिंग कर लेता हूँ. लगा बहुत गर्मी पड़ रही है. तो यार अभी बारिश का मौसम हो गया था तो, पर फिर बारिश पड़ी नहीं तो इसको मैं लगा तो दूंगा अच्छे से. थोड़ी स्टार्टिंग में ना चिपचिपी बहुत होती है ये, पर जैसे तुम खेलना शुरू करोगे ना बाद में खुद ही ठीक हो जाता है ये. काफ़ी मतलब प्लास्टर पड़ा ये एक कॉमन बन गया आजकल, जब किसी का हार्ट टूटता है तब लगा देते. वैसे अब इस चीज़ों में भी लग पड़ा है यूज होने ये. तो इसको तो मैंने टाइट करके लगा दूंगा. तो अब तो ठीक हो गया ये ग्रिप भी ठीक बन गई है. बस इसको ना थोड़ा तो चिपचिप हो रहा है. और तुम बोल रहे हो अच्छे दिखा यार खोल के, तो ये भी दिखा रहे. तो काफ़ी अच्छी थी यार, 80 रुपये में तुम्हें फॉर्म वाली मिल जाती है. और क्या चाहिए, और भी थी. मैं बोला नहीं अंकल ये पसंद आ रही है ब्लैक और वाइट, तो फुल लेंथ वाली है ये. तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये भी, और काफ़ी अच्छी है यार, ठीक ठाक है. स्प्रिंग भी दिया हुआ है कि नीचे जब लगेगा तो टूटेगी नहीं, ये वाली स्प्रिंग भी दिया हुआ है. बाकी लेंथ भी ठीक है यार. मेरी हाइट लंबी है ना, तुम्हें करना अच्छा लगता है ये चीज़ें, क्योंकि मम्मी बोलते हैं अब घर में फ्री तो बैठा होता है कुछ ना कुछ कर ले, तो वही करते हैं.
और सुनाओ यार, तुम सबकी लाइफ सही चल रही है, हेल्थ वगैरह सब ठीक है, या कोई कुछ ज़्यादा मतलब इशू वगैरह सीन सुन तो नहीं हुआ, कमेंट करना। और कुछ नहीं, बस साइकिल वगैरह सब खड़ी, और ये लाना भूल गया मैं, शिट, ये वाला जो कल टूट गया था यार, ये वाला बहुत खर्चे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो मेरे बर्थडे के पैसे थे मैं सब उन्हीं से कर रहा हूँ, मम्मी से नहीं मांग रहा हूँ। तो आज एंड ऑफ मैंने बाहर खड़ी की है, तो बाहर तो मैं दिखा देता हूँ ना, कल कुछ मैंने किया था यहाँ, पत्थर वगैरह गए थे, कुछ सीन होता यहाँ पे हो जाता ना, वो खड़ी एंड टॉक बाहर खड़ी थी आज, क्योंकि तुम्हें पता शाम को मम्मी बोलते हैं कि सामान ले आया कर, उनको एक ना या दो चक्कर लाने पड़े, तुम्हें पता दूध वगैरह लाना होता है, तो हम बोलते हैं एंड टॉक वगैरह बाहर खड़ी कर दिया कर। और भाई औसम मतलब मौसम, कभी बारिश पड़ रही है, कभी धूप निकल आ रही है, तो मतलब मौसम की वेरिएशन बहुत ज़्यादा चल रही है। तो पहाड़ देखो तो ऊपर पूरा काला मौसम हो गया, एक बार तुम देख लो पूरी सीनरी सी लग रही है ये, तुम भी कमेंट करना कैसा लग रहा है यार ये वाला। और हाँ यार गाइस, ये मेरे को बताओ तुम, सच में पबजी बैन हो गया कि उसमें बादल मतलब काले बादल छा रहे हैं, सारे बोल रहे हैं पबजी बैन पबजी बैन, तो मैं कमेंट करना कि तुम्हें क्या लगता है सच में पबजी बैन हो रही है कि नहीं हो रही है। मेरे को काफ़ी मैंने देखा, मैंने बड़े बड़े यूट्यूब जो टेक्निकल गुरु जी वगैरह वो बोलते रहे, वो भी बोले कमेंट करना कि तुम्हें कुछ कन्फर्म नहीं है कि पबजी बैन होने वाली है कि नहीं होने वाली है, ये तो मुझे भी नहीं पता है पबजी पता नहीं बैन होती है कि नहीं होती है। खैर छोड़ो, पबजी खेलना बंद कर दी मैंने कल से, कल मैंने अनइंस्टॉल कर दी थी, क्योंकि यार तुम्हें पता है मैं अभी क्या बोलते क्लास में हूँ, तुम्हें पता होगी बोर्ड की क्लास है, तो मम्मी ने बोला नहीं अब एंड में मेरे को मतलब एम बेसिकली आर्मी ऑफिसर बनना है मैंने, तो एनडी क्लियर करना है, तो वही बुक्स वगैरह हम बोलते पढ़ना शुरू कर दे, यही तेरा टाइम है, अब छोड़ गेम्स वगैरह, जितना टाइम तू गेम्स में वेस्ट करता है उससे अच्छा तो पढ़ाई पर लगा दिया कर। फिर पापा भी यही बोल रहे सेम चीज़, बड़ा हो गया अब गेम्स वगैरह छोड़, ज़्यादा कुछ नहीं है, अपने एम के साइड ध्यान दे और पढ़ाई कर, मैं वाला बस करो यार जीने दो मेरे को थोड़ी देर। पापा बोलते यूट्यूब भले रख ले तू बट गेम्स नहीं, क्योंकि अभी पता दोस्तों तुम देखो ना क्या सीन है पबजी, तुम्हें पता ना क्या क्या सीन हुए थे पीछे पीछे, कितनी डेथ हुई थी, एक बंदा मेंटल हो गया था मतलब उसके दिमाग में इतना प्रेशर पड़ गया था, तो पापा बोलते ऐसे गेम से दूर रहा करो, पहले पोकेमोन गो वगैरह आई थी, वो बंदे बॉर्डर में जाके ढूंढ रहे हैं पोकेमोन को, वो मर गया था, फिर उससे पहले वो आई थी ब्लू वेल आई थी, वो बंदे पता नहीं क्या नीचे से कूद जा रहे सुसाइड कर ले रहे, तो मेरे को समझ आया। फिर पापा को बोला कि नहीं यार, मैंने बोला पापा चलो कर देता हूँ डिलीट, पापा बोला स्क्रीनशॉट भेज, फिर भेजा वगैरह सब कर दी डिलीट, अब कुछ नहीं बचा फ़ोन में, बस यूट्यूब है बस और इंस्टाग्राम है बस और कुछ नहीं है। तो खैर छोड़ो, मेरी लाइफ तो चलती रहेगी ऐसे, बट यार मेरे पेरेंट्स कभी यूट्यूब के लिए मना नहीं करते, बोलते जी भर की वीडियो डाल तू, बस पबजी नहीं खेलनी बस, तो मैं बोला चलो नहीं खेलेंगे। तो कमेंट करना पबजी बैन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये तुम्हें पता है यार, अगर मेरे को लगा पता मैं बता दूंगा। और CBSE ने भाई पूरा पैटर्न चेंज कर दिया अपना, अगर तुम देखो HRD मिनिस्ट्री नाम था पहले, अब उन्होंने नाम कर दिया उसका एजुकेशनल मिनिस्ट्री, जो HRD हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था ना, तो उन्होंने बोला पोखरियाल वगैरह ने बोला कि नहीं भाई इसका नाम चेंज कर दो। और यार सच में बोलूँ ना, अकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जो अगले बच्चे जो बोर्ड क्लास में आने वाले हैं उनको भाई तुम्हें बहुत एडवांटेज होने वाला है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये। और उन्होंने बोला गेम्स को एक इक्वल स्टेटस दो, अगर साइंस भी ज़रूरी तो गेम्स भी ज़रूरी है, ये बात बहुत सही लगी थी मुझे। तो चलो यार, उम्मीद करता हूँ तुम्हें व्लॉग पसंद आया होगा। था अभी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है मेरे को, अभी जो मेरा बैडमिंटन है उसको डालता हूँ कवर में, और स्किपिंग वगैरह देखता हूँ एक बार, ट्राई करता हूँ कैसी लगती है, तो थोड़ी बहुत ऐसे काम कर लेता हूँ मैं। तो कल मिलते हैं फिर एक और न्यू व्लॉग में, कल करेंगे आराम से बातें, तो उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक देखते रहिए।